राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के पाठों पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राम का वन गमन भाग 1। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि अयोध्या के राजा दशरथ जब अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बनाने की घोषणा करते हैं तो रानी कैकेयी को उसकी दासी मंथरा बहका देती है और रानी कैकेयी राजा दशरथ से दो वरदान मांगती हैं। पहला वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरा वरदान कैकेयी के पुत्र भरत को राज सिंहासन। दशरथ दुखी हो जाते हैं। अब सुनिए इससे आगे की कहानी। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई, राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था, दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे, महर्षि के पास आए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकेयी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रेवर, महाराज राज्य अभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी, लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था, उसकी चमक तमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया।
ऐसा सुंदर लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। राजकुमार रामचंद्र की, राजकुमार रामचंद्र की। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। राजकुमार रामचंद्र की जय, राजकुमार रामचंद्र की जय। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, राम, राम, राम। राम। उन्हें होश आया, तब भी वे कुछ बोल नहीं सके। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माते। पुत्र, महाराज दशरथ ने मुझे एक बार दो वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। ये शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। मैं चाहती हूं कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे थे। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदनहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार, धिक्कार है, धिक्कार। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी मां के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को
कैकई भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या ये सुनकर सुत खो बैठी। लक्ष्मण अब तक शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन न जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वो अयोध्या में रहें। उन्होंने कहा, पुत्र माती, ये राजा क्या अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, ये राजा क्या नहीं, पिता की आज्ञा है माते, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण से राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले और देखता हूं कौन विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मैं वन जाऊंगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, पुत्र, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा, माती, वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। माते, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। बाल राम कथा। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। मुख्य विषय समन्वयक प्रोफेसर रामजन शर्मा, आलेख मधुकर उपाध्याय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार राकेश पंडित, कलाकार नीरज शर्मा, मंजू मैनी, राम मैनी, गीता वर्मा, शारदा गुप्ता, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।